ख्वाहिशों का बादल इंसान बनाता है और जब छू नहीं पाता तो जिंदगी को कोसता है। बात अजीब है पर सत्य है। I can't marry you. Hope you understand. What? मुझे खिलाया कौन 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 मुझे मिर्जा। मिर्जा नाम है हमारा और ये है हमारा गालिब। शायरी करता भी है और करवाता भी। मुझे क्यों पिया मैडम पिया यहां मैं किसी को भूखा नहीं मारता क्योंकि हम मारना चाहते हैं। गलत बात। लो खाओ। पर मेरे हाथ तो बंधे हैं। जानते हो बहुत साल पहले एक बंदा था, आर्टिस्ट, शायर, पेंटर, लिख के और अपनी कला से अपना और अपने बेटे का पेट भरता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। 2 महीने 2 महीने हॉस्पिटल में रहा। जब घर आया ना, बहुत दर्द और गुस्से में छटपटा रहा और ये सब दूर खड़ा उसका बेटा देख रहा था। गुस्से में उसने पेंटिंग बनानी शुरू की और 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद उसने अपनी जिंदगी का मास्टरपीस बनाया। पता है कैसे बनाई उसने? अपने कटे हुए हाथों से।
पैरों से, मुंह से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आर्टिस्ट ट्राइड, आर्टिस्ट अचीव। चलो तैयार हो जाए फिर। पर वो आर्टिस्ट 2 महीने बाद मर गया और रह गया उसका बेटा, और उसके बेटे के दिमाग में उसके अब्बू की बातें और सब। खैर छोड़ो, ये बताओ मैडम, बड़े गुस्से में है, क्या किया? इश्क हुआ, बहुत हुआ, मन भर गया क्या? अरे बोलो बोलो बरखुदार, बोलो। वो समझती नहीं थी। समझती नहीं थी तो हमें समझा दो। मैंने घूमने के लिए न्यूजीलैंड डेस्टिनेशन सोची है, व्हाट डू यू थिंक? 4 लाख एक्स्ट्रा लगेगा, पर इतना तो बनता है यार। मैंने जो सलून का नंबर दिया था, तुम वहीं से रेडी होना, एकदम मेट्रो सेक्शुअल लगना चाहिए तुमको। और हाँ, डायमंड रिंग तो सॉलिटेयर ही होनी चाहिए। मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। व्हाट डू यू मीन? वही हर रोज एक ही काम, वही मंडे वही ट्यूसडे। लो, मैं आपकी शादी की तैयारियां कर रही हूँ और तुम वहाँ देवदास बने बैठे हो। Why do you bring such thoughts in your mind? Just let it go, जाने दो। पूरी दुनिया काम कर रही है, तुम कोई अलग थोड़ी ना हो। प्रशांत, we are about to get married. Think about that. इतना काम पड़ा है और तुम हो कि? हाँ, but मैं ये काम नहीं करना चाहता। I want to be a writer. I want to express myself. एकदम पागल हो यार। पागल? और क्या, ये पागलपन ही तो है। इतने सालों से तुम इतनी डीसेंट जॉब कर रहे हो और अब ये सब, राइटर, क्रिएटिव है। छोड़ो, वो मूवी देखने चलते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट माय मूड, इट्स अबाउट माय लाइफ, इट्स अबाउट माय हैप्पीनेस, इट्स अबाउट व्हाट मेक्स मी हैप्पी। ओफो, स्टॉप गेटिंग सो ड्रामेटिक यार, चिल। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें लिखना है लिखो, तुम लिखो मैं पढ़ू, पर इसमें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? हमारी शादी और हनीमून में वैसे ही इतने पैसे लगने वाले हैं। शादी शादी जब देखो, शादी शादी जब हम एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं तो शादी करके गलती ही करेंगे। आई अंडरस्टैंड प्रशांत, मैं समझ रही हूँ, बट द फैक्ट इज आई नीड अ सिक्योर्ड लाइफ एंड अ सिक्योर्ड फ्यूचर, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। आई एग्री, बट पैसा आ जाएगा, आज नहीं तो 4-5 साल बाद। बड़ी बात ये होगी कि मैं खुश होऊंगा तुम्हारे साथ और अपनी जॉब के साथ, तब आएगी सिक्योरिटी। रहने दो, मेरे साथ तो तुम खुश रहने से रहे, और वैसे भी राइटर्स की लाइफ कहाँ सिक्योर होती है? Why are you being so money minded? It's about my happiness. I am not being money minded, I'm being practical. But the fact is, we need a secured life, a secured future, हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। How can you be so sure that I won't be able to buy you a secure future? प्रशांत, can we have this conversation later? तो बनना क्या चाहते हो? पोएट। पोएट, कवि। खड़े हो बेटा, जिंदगी में सपने देखना, सभी देखते हैं। सपनों से कभी डरना नहीं, कभी पीछे नहीं हटना। सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते, हमेशा याद रखना। जिंदगी में सपने भी तुम ही देखते हो, पूरा भी तुम ही करते हो, पर रास्ता छोटा हो या लंबा, सही होना चाहिए। जानते हो जिंदगी क्या कहती है हमसे? ख्वाहिशों का बादल हूँ मैं तेरा ही बनाया, तू न छू पाया। मैंने एक कारवां, मुझे जब जलाया, जला तेरे संसार, तक तू न देख पाया।
तेरा ही तेरा हूँ मैं, पर तुझको यकीन नहीं। रात का साया नहीं, तेरी मैं छाया नहीं। हूँ मैं बस एक साथी तेरा, तेरा ही तेरा हूँ मैं, पर तुझको यकीन नहीं। अब्बू कहा करते थे, जानते हो जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागा। ऐसा नहीं कर रहा बॉस, तू हम पे हक के पैसे मांग रहे, पूरे पैसे दे। अबे ये स्टार्स तो करोड़ों देता है, अपन को दो हफ्ते रोटी नहीं मिलती भाई। अग्रेसिव जो भी ना रखो, और ऐसा कॉल से अरे इन जैसों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, पैदा ही नहीं होना चाहिए। मगर जब सपनों ने भगाया तो सारी गेम ही बदल गई।